हंगरी फूड फटाफट में आपका स्वागत है। नमस्कार। बिहार में पूस महीने में चावल का पीठा खाने की परंपरा रही है, उसी को कायम रखते हुए मैं आज आपको उसे बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जिसमें सामग्री लगेगी। चावल का आटा है, ये घी है, ये नारियल पीसा हुआ है, ये गुड़ है क्रश किया हुआ, और इलायची पाउडर है, ये खोया है। सबसे पहले हम चावल के पीठा की फिलिंग की तैयारी करते हैं। गुड़ डाल दे रहे हैं, इसमें खोया डाल रहे हैं, नारियल का चूर डाल रहे हैं, इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। चावल का डो तैयार करने के लिए अब हम पानी गरम करते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल दिए हैं और 1 गिलास डाल देते हैं। 2 गिलास हम पानी डाल रहे हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे गरम करने के लिए, और गरम हो गया है पानी तो थोड़ा पानी निकाल देंगे पहले। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना पानी फिर और जो रखे हुए हैं वो डाल डाल के गूंथ लेंगे चावल के आटा को। ये अभी टाइट है, इसमें और थोड़ा पानी डाल रहे हैं। इसमें हम ढक्कन लगा दे रहे हैं, तोप दे रहे हैं। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक ठंडा भी हो जाएगा और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा देते हैं। एक बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे आटा को। इसको अच्छे से गूंद लेते हैं और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे इसका। डो तैयार हो चुका है, अब इसको भर लेते हैं। हमारा चावल का आटा भी तैयार है और फिलिंग भी तैयार है, अब हम पिट्ठा भर लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और गोल गोल करेंगे इस तरीक़े से पहले। अब इसको कटोरी नुमा शेप देंगे, अच्छे से कटोरी बना लेंगे। ये देखिए कटोरी तैयार हो चुका है मेरा। अब इसमें फिलिंग डालेंगे। अब इसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर हाथ करते हुए गोल 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 घुमाते जाएंगे तो ऊपर आटा आते जाएगा और ये बंद हो जाएगा और फिलिंग निकलेगा भी नहीं। अब इसको फिर हम गोल गोल बना देंगे। ये पीठा तैयार हो चुका है भर के। इस तरीक़ा से सारा भर लेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि पीठा डूब जाए। अब इसको खौलने के लिए चढ़ा दिए हैं पानी को। पानी खौलने लगा है, अब इसमें हम पीठा डालेंगे।
अब हम इसको 10 मिनट पकने देंगे। अब ये तैयार हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें से हम निकाल लेंगे। चावल का पीठा तैयार हो चुका है।